हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिटर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जो निमी पैटर्न का है। ये भारत स्किल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन लाइन आर मार्क्ड ऑन। यानी कि कहने का मतलब है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन कहाँ पे अंकित करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरल पर अंकित रहता है। कहाँ अंकित रहता है? बैरल पर, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द टू पार्ट ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। यानी कि ट्राई स्क्वायर का दो पार्ट होता है, वो कौन कौन होता है? एक ऑस्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड होता है। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? यानी कि सी नंबर ऑप्शन, ऑस्टॉक और ब्लेड हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर आपको दिया है 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ़ द माइक्रोमीटर मेजर्स इतना। अगर मेजर इतना कर रहा है और नेगेटिव एरर 0.03 आ रहा है, तो क्या करेंगे कि उसमें ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। यानी कि आपको इसको में जो रीडिंग आ रहा है जो, और जो नेगेटिव एरर है उसको, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको बी नंबर आंसर 40.56 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, केरोसिन आयल इज यूज्ड एज ए कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग अ वर्कपीस मेड ऑफ। इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्कपीस को ड्रिल करने के लिए कूलेंट के रूप में, यानी प्रशीतन के रूप में किरोसिन तेल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? केरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ दीज बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन ग्राइंडिंग व्हील। ये जितने भी फाइव नंबर क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है, सब में बॉन्ड है, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील में कौन सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड बॉन्ड यूज होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो व्हिच वन इज क्रॉस पिन हैमर। इसमें कह रहा है कि फिगर दे दिया है इतना, और बोल रहा है कि कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो सिक्स नंबर का सी नंबर, यानी कि ए वाला जो है सी नंबर, ये आपको क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवन नंबर, फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। यानी कि जनरल पर्पस में हम लोग बेंच वाइस को, जहाँ पे हम लोग मशीन जॉब को फिक्स करते हैं, बेंच वाइस को कितने हाइट पे रखना चाहिए। सेवन नंबर का ऑप्शन 106 सेंटीमीटर पे हम लोग इसको रखते हैं। कितना पे रखते हैं? 106 सेंटीमीटर पे। ठीक है। आइडेंटिफाई द मशीन शो इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो मशीन दिया हुआ है, ये कौन सा मशीन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, कि कौन सा मशीन है उसको आइडेंटिफाई करके आप बताइए। तो इसका ये जो मशीन है वो स्लॉटर है। क्या है? स्लॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन नंबर, द बेड ऑफ ए लेथ इज मेड ऑफ।
यानी कि लेथ का बेड होता है जिस पे लेथ रखा जाता है, वो क्या चीज़ का बना होता है? तो वो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, बोलेगा कि लेथ का बेड किस चीज़ का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटर लेथ, सेंटर लेथ का पार्ट कौन नहीं है, जो इसमें पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, सेंटर लेथ का पार्ट कौन नहीं है। तो इसमें आर्बर नहीं है, ए मिलिंग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? मिलिंग में हो जाता है आर्बर। और जितने भी स्पिंडल हो गया, फिट रॉड हो गया, लीड स्क्रू, ये सब कहाँ यूज कहाँ होता है? सेंटर लेथ में होता है, लेकिन आर्बर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन, यानी कि ये जो फिगर है इसमें कौन सा वर्क हो रहा है? इसमें नर्लिंग हो रहा है। कौन सा? नर्लिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग दीज मेटल इज द लाइटेस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का है? तो इसमें सबसे हल्का आपको एल्युमिनियम है। कौन सा धातु सबसे हल्का है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द गेज सो इन फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये फिगर क्या है, कौन सा गेज है, स्टैंडर्ड गेज है, वायर गेज है, डेप्थ गेज है, ड्रिल गेज है, कौन सा गेज है उसको आइडेंटिफाई करिए। तो इसमें आपको वायर गेज है, वायर डाल डाल के हम लोग चेक करते हैं किसका मोटाई कितनी है। बीच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, इसमें बोल रहा है कौन सा सेमी लिक्विड है, यानी कि न तो लिक्विड टाइप का है न तो सॉलिड है, वो थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड, मतलब कि सेमी लिक्विड है। तो इसमें तो आपका ग्रीस, आप लोग घर में चाहे कहीं भी देखे भी होंगे ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन, इसमें कह रहा है कि ऑल मशीनिंग ऑपरेशन के लिए कॉमनली यूज कौन सा करते हैं। तो कॉमनली हम लोग सोलोबल आयल, ज़्यादातर कौन सा कूलेंट यूज करते हैं मशीनिंग करने के लिए, तो सोलोबल आयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड इलार्ज द होल, तो रीमर का काम है कि फिनिश और उसको होल को जो पहले ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उसमें और फिनिश करने के लिए हम लोग रीमिंग कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा फिनिश भी हो जाता है और होल जो है सो थोड़ा लार्ज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर तो हो गया, सॉरी 17 नंबर। द पर्पस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रिलेड होल इज कॉल्ड, विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया करने के लिए, बेवलिंग की क्रिया करने के लिए हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे इस तरह सा होल होना चाहिए, इस तरह से होल होना चाहिए, बेवेल होना चाहिए, कर्व वाला, उसको काउंटर सिंकिंग कहते हैं। फिगर गिवन बिलो सो अ टाइप ऑफ कट ऑफ ए फाइल, ये जो कट है वो कौन सा फाइल का इस तरह का कट रहता है। तो इस तरह का कट आपको रैसअप कट में होता है, इस तरह का कहाँ रहता है आपका रैसअप कट में रहता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड आर पेंट एज शो बिलो,
इट इज कॉल्ड, यानी हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इट इज़ ए टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज फॉर स्टैडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस के लिए, यानी कि यह एक प्रकार को कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग घर में भी यूज करते हैं उसको, इमरी पेपर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एमरी पेपर बोलते हैं। इसको हम लोग घर में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज अभी 20 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह से और वीडियो लाएंगे और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।